कुलबेली में आपका स्वागत है। यहाँ आप सुनेंगे बाल कहानियाँ, इतिहास के रोमांचक किस्से और हमारी संस्कृति से जुड़ी मजेदार बातें। मैं हूँ आपका होस्ट ज्ञानेश और आज मैं लेके आया हूँ अकबर बीरबल का एक मजेदार किस्सा जिसका नाम है बादशाह का सपना। एक रात सोते समय बादशाह अकबर ने ये अजीब सपना देखा कि केवल एक छोड़कर उनके बाकी सभी दांत गिर गए हैं। अगले दिन उन्होंने देश भर के विख्यात ज्योतिषियों व नजूमियों को बुला भेजा और उन्हें अपने सपने के बारे में बताकर उसका मतलब जानना चाहा। सभी ने आपस में विचार विमर्श किया और एक मत होकर बादशाह से कहा, जहां बना इसका अर्थ ये है कि आपके सारे नाते रिश्तेदार आपसे पहले ही मर जाएंगे। ये सुनकर अकबर को बहुत क्रोध आया और उन्होंने सभी ज्योतिषियों को दरबार से चले जाने को कहा। उनके जाने के बाद बादशाह ने बीरबल से अपने सपने का मतलब बताने को कहा। बादशाह का सपना सुनकर बीरबल कुछ देर तक सोच में पड़े रहे और फिर बोले, हुजूर, आपके सपने का मतलब तो बहुत ही शुभ है। इसका अर्थ है कि अपने नाते रिश्तेदारों के बीच आप ही सबसे अधिक समय तक जीवित रहेंगे। बीरबल की बात सुनकर बादशाह बेहद प्रसन्न हुए। बीरबल ने भी वही कहा था जो ज्योतिषियों ने कहा था, लेकिन कहने में अंतर था। उन्होंने एक पॉजिटिव टोन में चीजें बोली थी। बादशाह ने बीरबल को इनाम देकर विदा किया। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें हर एक बात को पॉजिटिवली रखना चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जल्दी मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।